ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश को बचाना और बनाने का चुनाव है। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी हैं। मोदी जी के मुंह से नौकरी का बात नहीं सुनते होंगे, गरीबी का बात नहीं सुनते होंगे, महंगाई की बात नहीं सुनते। मोदी जी के मुंह से केवल यही सुनते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस्लाम सनातन। लेकिन बिहार में निवेश कैसे आए, समस्या हो, बिहार में कारखाने कैसे खुले, बिहार का किसान का आय दुगुना कैसे हो, इस पे 10 साल में अगर आप लोगों ने एक बार भी मोदी जी की बात को सुना होगा तो बताता। या सिंहेश्वर की जनता के लिए क्या किया मोदी जी ने, या मधेपुरा की जनता के लिए क्या किया, या सुपौल की जनता के लिए क्या किया, बता दीजिए। 17 साल से इनका सरकार राज्य में है और 10 साल से ये केंद्र में है। सुपौल का सांसद उन्हीं का है, क्या किया भाई, क्या किया आपके लिए, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, कोई काम हो तो बता दीजिए। असल मुद्दा क्या है, गरीबी महंगाई बेरोजगारी पलायन किसान का असल मुद्दा है, सब घर पक्का हो जाए ये असल मुद्दा है, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए ये असल मुद्दा है, फसल जो कटनी हो रहा है उसका उचित दाम मिलना चाहिए ये असल मुद्दा है। गरीबी कैसे खत्म होगी, जब नौकरी मिलेगा लड़का के लड़की के तो आर्थिक रूप से लोग समृद्ध होंगे। अभी मोदी जी एक काम कहते कर रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो 5 किलो अनाज थोड़ी दे रहे हैं, वो तो यूपीए सरकार का समय फूड सिक्योरिटी बिल आया था तब से जो अनाज मिलता, पहले तो किरासे को तेल मिलता था चीनी मिलता था, इकोनो मोदी जी का देन नहीं थे। तो हम लोग सब लोग को एकजुट होना है, एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। हम 17 महीने सरकार में थे, हमने 20 में वादा किया था चुनाव में, और आप सब सिंहेश्वर की महान जनता ने आशीर्वाद देकर के चंद्रहास चौपाल जी को जिताया, मेरे हाथ को मजबूत किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, जिंदाबाद करते हैं आपको। हम क्या बोले थे कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगा। उस समय हमारे चाचा नीतीश जी का कहते थे कहां से लाएगा, अपन बाप के पास से लाएगा, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, बोलते थे संभव है। खैर छोड़ो, 17 महीने जब वो बीजेपी मुकेश जी ने तो विधायक खरीद लिए 4 को बीजेपी वाला, ये बोल इनका विधायक खरीद लिया, हमारे चाचा सीएमए का हाईजैक कर लिया, समझे। खैर उनका भी पार्टी तोड़ रहा था, इनका तोड़ने के बाद उन्हीं का पार्टी तोड़ रहा था चाचा का भाजपा वाला, तो भागले भागले आए हम लोगों के पास कि भाजपा को भगाना है, लालू जी हमको माफ कर दीजिए, हमने के सबसे बड़ा पार्टी रहा, सबसे बड़ा पार्टी थी, जानते थे कि नीतीश जी एक बार पलटी मार चुके हैं फिर दोबारा आ रहे हैं, लेकिन देश हित के लिए भाजपा को भगाने के लिए फिर से हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया और हम उप मुख्यमंत्री बने। और उप मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम क्या किया कि 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिलाने का काम किया। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन है और 4.5 लाख निजी शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। आंगनबाड़ी हो, टोला सेवक, विकास मित्र, शिक्षा मित्र, तालमी बढ़कर सबके मानदेय को हमने दोगुना किया, सारा आईटी पॉलिसी वगैरह बनाया, रात भर अस्पताल घूमते थे, छापा मारते थे, दवा मिल रहा कि नहीं मिल रहा, इलाज हो रहा कि नहीं हो रहा। इधर 3 लाख और बहाली निकलने वाला था, तेरे चाचा जी फिर पलट गए। हम लोग काम कर रहे थे, खेल नीति बनाए, खेल नीति में खिलाड़ी
23 किलोमीटर लगे वो डीएसपी बन जाएगा। 71 को खिलाड़ी के नौकरी दिए अफसर बना, पढ़े वाले की भी नौकरी और खिलाड़ियों के नौकरी। पर्यटन नीति बनाए, आईटी नीति बनाए, निवेशकों को बुलाए देश भर में, आओ बड़ा बड़ा लोग बिहार में निवेश करो। 50,000 करोड़ का एग्रीमेंट साइन करके गया, चाचा जी पलट गए। अब बोले क्या पलटने के बाद तो क्रेडिट ले रहा था। एक बार भी आप देखे होंगे हम तो बेटा के नाम तलाश खा रहे थे। खैर जो भी बात है, जहां रहे स्वस्थ रहे, बुजुर्ग है सम्मान हम करते हैं, लेकिन आप देखिए अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, क्या स्थिति हो गई। और मोदी जी ने इतना झूठ बोला है 10 साल में कि गोबर को भी हलवा बना दिया। एक काम बता दो मोदी जी के लिए जो सिंहेश्वर के लिख लिया, एक काम बड़ा काम। लालू जी रेल मंत्री थे तो कारखाना तो दिया ना मधेपुरा जिला को, हम एक काम गिरा सकते हो। एक काम बता दो इतना बड़ा काम किया हो तो। लालू जी तो यूनिवर्सिटी, हम एक बोल गिनाएंगे तो सामाजिक न्याय, बोलने का अधिकार, बैठने का अधिकार लालू जी दिए गरीब के। लेकिन ये बताइए उन लोग क्या किया, क्या किया बताइए। और नहीं किया तो वोट नहीं देना है उन लोगों को, तय कर लीजिए। हम लोग का सरकार बनेगा तो देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। कितना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मोदी जी रेल सेल सब बेच दिए, अब रेलवे में बहाली निकल रहा है, जहाजों बेच दिए, अड्डा बेच दिए, सब बेच दिए। आरक्षण खत्म हो गया स्वाभाविक, जब सरकार के पास राज निजी हो गया तो आरक्षण खत्म हो गया। तो इसलिए आप सब लोग गोलबोल रही है, 1 करोड़ लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी मिलेगा। गरीब बहन वहां बैठी है सुन रही है, साल में एक बार हमारे गरीब बहन के 1 लाख रुपए का हम लोग सहयोग करेंगे, यानी महीना कितना हो गया, महीना हो गया 8,333 रुपया। 8,333। गरीब बहन को हम लोग देंगे गैस सिलेंडर, मोदी जी 1400-1500 कर दिए, उसको 500 रुपये हम लोग करेंगे। देश भर में सबसे महंगा अगर कहीं का बिजली है तो बिहार का है, 200 यूनिट फ्री में बिजली हम आप लोगों को दिलाने का काम करेंगे। और 10 फसल पर MSP हम लोग तय कर देंगे। मान लो 1800 रुपये एक दो फसल पे मिलता है, वो भी मिलता है, 100 है ना फसल का, कि कम से कम इतने ही पे 1800 रुपये खरीदो और बेचो, उसको हम लोग डबल कर देंगे। और कोशिश करेंगे कि उतना 10 फसल का, अभी तो एक एक फसल 10 फसल का, ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों से यही अपील है कि चंद्रहास चौपाल जी को हम लोगों ने सुपौल से दिया, इधर चंद्रदीप यादव जी हम मधेपुरा से हम लोगों ने दिया, उनके बाबूजी स्वर्गीय रवि जी थे जो MP रहे हैं मधेपुरा का, उन्हीं के लड़का है, पढ़ा लिखा प्रोफेसर आदमी, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, नौजवान है, हम भी नौजवान, मुकेश जी भी नौजवान, विधायक नौजवान, चंद्रदीप नौजवान, नया लोग को मौका मिलेगा तब ना काम करेगा। कब आप नया लोग नहीं दीजिएगा तो कब दीजिएगा मौका, बताइए तो। अब ये ना उम्र है काम करने का, बाकी अनुभव आप लोग सब लोग का तो है ही है, आप लोग सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई चंद्रहास चौपाल जी को आप लोग जिताने का काम करें। हम लोग सामाजिक न्याय वाला पार्टी है, गरीब के पार्टी है, वो लोग धनबल है, हम लोग जनबल है। पूरे देश में कोई नहीं दिया है जनरल सीट से दलित भाई को टिकट, लेकिन लालू जी दिए चौपाल भाई के टिकट। हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, सबको मान सबको सम्मान मिले इसका काम हम लोग कर रहे हैं।
सभी लोगों को मौका मिले, हर जात के लोगों को मौका मिले, हर धर्म के लोगों को मौका मिले, यही सामाजिक न्याय है। मुख्य धारा में लाना है ना गरीब लोग को, तो लाना है तो ऐसे ही ना लाना है। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे हैं। हमको तो चोट लगा है, यहाँ मांसपेशी खिंच गया है। डॉक्टर बोला कि 3 हफ्ता आपको बेड रेस्ट करना है। हमारे 3 हफ्ता में तो चुनाव खत्म हो जाएगा, तो हम नहीं करेंगे, हमको सुइया दे दो, दर्द का गोली दे दो। तो दिन रात वही खाके चल रहे, आपके बीच आ रहे, लेकिन मेरा दर्द आप लोगों के दर्द से बहुत कम ना है। जो गरीबी का दर्द है, जो बेरोजगारी का दर्द है, जो महंगाई का दर्द है, अब युवा भाई लोग के बेरोजगारी से आजादी दिलाना है, इसलिए हम घूम रहे हैं, आप लोग का लड़ाई लड़ रहे हैं। सब जात सब धर्म के लोग एकजुट हो जाइए, हम लोग अग्निवीर योद्धा को खत्म कर देंगे। ये अग्निवीर योद्धा क्या है, कोई सेना में जाएगा 4 साल के लिए जाएगा और 2 साल ट्रेनिंग में चला जाएगा, 18 साल में लड़का ज्वाइन करेगा और 22 साल में रिटायर हो जाएगा। कहीं सुने थे, सुना 22 साल में रिटायर, पूछो नहीं कि रिटायर है। और मोदी जी है 74 साल के 5 साल और मांग रहे और लड़कों लड़के 22 साल में रिटायर कर रहे हैं कि नहीं। और क्या है रे भाई, पार तो कर देगा लेकिन उसके बाद लड़का सब क्या करेगा, वो छोड़ो शहीद हो गया तो शहीद का दर्जा भी नहीं है अग्निवीर योजना में, पेंशन भी नहीं है, कैंटीन का जो व्यवस्था है वो भी नहीं है। तो जैसे पहले बहाली सेना में होती थी वैसे ही बहाली हम शुरू करेंगे, ताकि लंबे समय तक भारत माँ की रक्षा कर सके, सेवा कर सके। ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। और जितना पैरा मिलिट्री फोर्स है, CRPF है, CISF है, ITBP है, ये लोग अगर शहीद हो गए ड्यूटी के दौरान तो शहीद का दर्जा नहीं है पैरा मिलिट्री फोर्स को, अर्धसैनिक बल को। हम लोग की पुरानी मांग है कि अर्धसैनिक बल को भी जो है शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उसको भी हम लोग करने का काम करेंगे। तो अब समय नहीं, आगे और सब जगह जाना है प्रचार के लिए। हम मुकेश जी अकेले एक हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं और उधर 20-20 हेलीकॉप्टर चल रहा है, लेकिन अपना एक हेलीकॉप्टर जो है भारी है। अरे हेलीकॉप्टर के ट्रैक्टर हम लोग बना दिए हैं। अब हम लोगों को डराता है, लालू जी पे केस मुकदमा कर देंगे, तेजस्वी पे करता है, ED CBI इनकम टैक्स का डर दिखाता है, अब बोलता है भ्रष्टाचारी है। बैंगलोर वाला इनके बीजेपी का साथी जो MP है, 3000 लड़की का शोषण करके भेज भाग गया, अपना चुनाव खत्म करवा करके 26 के बीजेपी में जाओगे तो साफ हो जाओगे, राजा बन जाओगे, हरिश्चंद्र बन जाओगे, केस मुकदमा बंद हो जाएगा। जो नहीं झुका, जैसे लालू जी आज तक भाजपा के आगे झुके नहीं, सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता के लिए हमेशा से खड़े रहे, डरे नहीं। जब लालू जी नहीं डरे तो उनका लड़का काले डराएगा, डरने वाले नहीं है। आई गुजराती लोग से बिहारी लोग डराएगा, ये मुकेश सहनी जी का सुरक्षा छीन लिया। हम लोग भी साथ आते हैं, अति पिछड़ा समाज का बेटा है, आरक्षण अपना समाज को दिलाने का लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम दोनों बिहारी लोग गुजरात के लोग से डरा जाएंगे। हम लोग ठेठ बिहारी है, उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानते हैं, यहाँ नहीं टिकने वाला है लोग, ये बिहार है बिहार। अब बिहार इस पर परिवर्तन लाएगा, तानाशाही को देश से खत्म करेगा, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाएगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोग एक बार हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए कि चौपाल जी को पहना देना। सिंहेश्वर की जनता जिंदाबाद।